अस्य आदित्य हृदयस्तोत्रस्यागस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नतया तामसिक शक्तियों का बढ़ेगा प्रभाव, शुभ शक्तियों का कम होगा प्रभाव, शुभ काम अब हो जाएंगे बंद, सूर्य उपासना से कष्टों का होगा अंत। सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं। सूर्य अब कर्क राशि में भ्रमण करेंगे और इसे कहते हैं कर्क संक्रांति। लेकिन सूर्य के राशि बदलने से इंसानी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश क्यों है इतना खास, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। हम आपको कर्क संक्रांति पर पूजा उपासना की विधि भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कर्क संक्रांति क्या है। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर माह में राशि का परिवर्तन करता है, इसलिए कुल मिलाकर साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। लेकिन दो संक्रांतियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है, जब कर्क राशि में जाता है तब कर्क संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की। इस समय सूर्य दक्षिणायन होता है, वातावरण में तपस बढ़ता जाता है। इस बार कर्क संक्रांति 16 जुलाई को है। जब जब सूर्य अपनी राशि बदलते हैं तब तब जीव जंतुओं और इंसानों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सूर्य ही सृष्टि में जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। ऐसे में सूर्य पर पड़ने वाला प्रभाव इंसानों को भी प्रभावित करता है। सूर्य के राशि बदलने से कुछ लोगों के जीवन में शुभता आती है, जबकि कुछ लोगों के जीवन में बवंडर मच जाता है। ऐसे में सूर्य पूजा और उपासना के साथ साथ कुछ नियमों और सावधानियों को ध्यान रखकर बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। हम आपको आपके कल्याण के लिए महा उपाय भी बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताते हैं कर्क संक्रांति का महत्व। कर्क संक्रांति को हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको श्रावण संक्रांति भी कहा जाता है। इस समय से तामसिक शक्तियां प्रभावशाली होने लगती हैं, इसलिए ये माना जाता है कि ये देवताओं की रात्रि है। इस समय देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती है, अतः मंगल और शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इस समय में पूजा उपासना और ध्यान से ही शक्ति मिल सकती है। इस दिन दान करना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। सूर्य के राशि परिवर्तन का बेहद व्यापक असर होता है। हर राशि और हर इंसान पर इसका प्रभाव भी अलग अलग होता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बुरे प्रभाव हों तो उनसे कैसे बचा जाए।